गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल ईशा मेहरा दिस साइड। आज आपकी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आई हूँ। आप लोगों के ढेरों मेल्स आते थे कि दी जो हमारी आईलेट है वो इस तरीके से ड्रॉप होने लगी है, आईज के पास रिंकल्स आने लग गए हैं, हमारी एज भी नहीं तो भी इतनी जल्दी रिंकल्स दिखने लग गए हैं, आईज की पफिनेस बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और साथ में हमारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर इनमें से आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर ये सारी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं या फिर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, चाहे बॉयज और गर्ल्स किसी को भी, तो प्लीज आज की मेरी इन आसान सी एक्सरसाइजेस को जरूर फॉलो करें जिसका कोई टाइम लिमिट नहीं, जो टाइम सेविंग के साथ आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देंगे विद इन अ मंथ। बिकॉज ये कोई मैजिक स्टिक नहीं जो एक रात में करेंगे नेक्स्ट डे रिजल्ट होगा। एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है जो टाइम टेकन होती है और रेगुलर रहने से आपको 101% रिजल्ट देती है। अगर आपका बच्चा 10 साल का है तो भी आप उनको ये एक्सरसाइज करवा सकते हैं, एक्सरसाइज की कोई भी एज लिमिट नहीं होती। और अगर आप 25 के हो चुके हैं तो डेफिनेटली आपको अपने डेली रूटीन में इन एक्सरसाइज को शामिल कर लेना चाहिए, बिकॉज आजकल हम लोगों की जो नींद ना लेने की प्रॉब्लम है, मोबाइल्स और गैजेट्स में हम बहुत ज्यादा घुसे रहते हैं, उसकी वजह से भी जो उनमें से रेज निकलती है जो हमारी आईज को बिल्कुल ड्रॉप कर देती है, रिंकल फाइन लाइंस को बढ़ा देती है। इसके साथ साथ हम बहुत खराब डाइट ले रहे हैं जो ये हमें सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो अच्छी डाइट ले, पानी ज्यादा पिए, ये मेरा हर वीडियो में सजेशन होता है। और अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरा अकाउंट है @ishamehra और फेसबुक पे मेरा पेज है हेल्थ टाइम। गाइस फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी ड्रॉपी आईलेट को फर्म करने के लिए जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें आपने अपने पाम को रब करना है। पाम्स इन द सेंस आपको अपनी हथेलियों को इस तरीके से रब करना है। जेंटली अपने हाथों को हटाना है, बहुत जोर से आपने आईज को प्रेशराइज नहीं करना, बल्कि जो आपकी हथेलियों में हीट प्रोड्यूस हुआ है उसे आपने अपनी आंखों पर रखना है। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपके आईज में जो भी डार्क सर्कल्स हैं, आपके यहाँ पर रिंकल स्टार्ट हो गए हैं, या आपकी आईज बहुत ज्यादा यहाँ से सूज जाती है, या फिर आपकी आईलेट जो है ये ड्रॉप हो रही है झुर्रियों की वजह से, एकदम नीचे आती जा रही है, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, तो वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। आप कम से कम इसको 50 टाइम्स रिपीट करें, 100 टाइम्स रिपीट करें, जितना मैक्सिमम हो सकता है इन सारी एक्सरसाइजेस को आपने रिपीट करना है। मैं आपको एक बार दोबारा करके दिखाती हूँ। तो यहां पर मैंने आपको करके दिखाया है 2 times, बिकॉज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, लेकिन आपने इसको डेली रूटीन में कम से कम 50 to 100 times, जितना मैक्सिमम हो सकता है आपने अपना बेस्ट देना है, उतना ही बेस्ट आपकी जल्दी आईज पर इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इसके लिए आपने अपनी आईज को 2 finger से साइड से इस तरीके से स्ट्रेच करना है और अपनी आईब्रोज को लाइक दिस ज्वाइन करते हुए बैक, अगेन ज्वाइन बैक, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी आई लेट पर जितना भी ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है, जो आपकी मसल्स डेड हो गई हैं, वो रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी और आपके यहाँ पर जो क्रॉस फिट की प्रॉब्लम होती है, यानी रिंकल्स की जो यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जैसा आप इमेज में देख रहे हैं सेम वैसे, तो आपकी ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी। तो प्लीज इसको करें। बहुत सारे लोग बात करते टाइम फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा देते हैं और स्पेशली आईज को हम बहुत ज्यादा फोल्ड करते हैं, इसकी वजह से हमारी आईलेट जल्दी जो है वीक होने लगती हैं और वहां पे रिंकल्स आने लगते हैं। जब भी हम टेंशन में होते हैं तो हम ऐसे करते हैं लाइक दिस, जितना भी हम अपनी आईज को स्क्वीज करते हैं, ऑल टाइम हम उस पर एक्सप्रेशन देते रहते हैं, तो उतनी ही हमारी जो है रिंकल्स फाइन लाइंस की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है और हमारी आईलेट ड्रॉप होने लगती है, यानी नीचे सैग करने लगती है। तो चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज। Thank you.
पोजिशन को 10 सेकेंड होल्ड करना है और आपको जितना मैक्सिमम हो सके उतने बार इसको रिपीट करना है, ठीक है। यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है सेकेंड एक्सरसाइज। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने इस तरीके से यहाँ से अपने आईब्रो को कॉर्नर से ऐसे स्ट्रेच करना है और अपनी आई बॉल से साइड टू साइड देखना है, ठीक है। उससे क्या होगा, आपके जितने भी आईलेट ड्रॉप कर रही है, नीचे आ रही है, वो एकदम स्ट्रेच हो जाएगी। आपके आईलेट के यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा, जिससे कि आपकी जो आई पफिनेस है, रिंकल्स हैं, या फिर आपके डार्क सर्कल्स की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी। तो चलिए इस एक्सरसाइज को फॉलो करिए मेरे साथ साथ। देख रहे हैं मैंने यहां से स्ट्रेच करा है और आपने राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, आपने इस तरीके से अपनी आई बॉल को मूव करना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जिसके लिए आपने अपनी आईज को प्रॉपर ओपन करना है, देन आपने क्लोज करना है, ठीक है। मतलब लाइक दिस प्रॉपर बड़ा करना है, देन क्लोज। जितना मैक्सिमम आप स्ट्रेच कर सकते हैं अपनी आईज को उतना आपने स्ट्रेच करना है, ठीक है, और जितनी बार आप करेंगे सेम उतना आपके लिए इफेक्टिव होगा। रिलैक्स, ठीक है। तो यहां पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें आपको क्या करना है, अपने आईज को इस तरीके से स्ट्रेच करना है। मेक श्योर आपके नेल्स बड़े ना हो, आपको लग ना जाए, ठीक है। आपका वन फिंगर रहेगा यहाँ पर, अदर फिंगर रहेगा आपका इस साइड, इस तरीके से, और आपने अपनी आईज को ब्लिंक करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी आईज पूरी तरीके से स्ट्रेच हो रही है और ब्लिंक हो रही है। सेम वही कि आपका ब्लड सर्कुलेशन आपके आईलेट एरिया पर बहुत फास्ट हो जाएगा, आपकी जो मसल्स डेड हो गई हैं वो रिजनरेट होंगी और आपकी जो ड्रॉपी आईलेट है या रिंकल्स हैं ये बहुत अच्छे से रिड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरीके से बेड पर ले जाना है और अपने हेड को डाउन साइड कर लेना है। डाउन साइड करने पर पूरा ब्लड फ्लो हमारे फेस की साइड आ जाता है, जिससे कि आपकी आईज में जो प्रॉब्लम हो रही है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन आपकी आईलेट पर आने लगेगा। उसके बाद इस तरीके से डाउन साइड करने के बाद आपने अपनी आईज को बार बार ब्लिंक करना है। ब्लिंक करने से सेम वही कि आपकी जो आईलेट ड्रॉप हो गई है, जो रिंकल्स की प्रॉब्लम है, आईज पफिनेस की प्रॉब्लम है, या फिर डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी। जितना हो सके आपने इस एक्सरसाइज को पूरे दिन में रिपीट करना है, या फिर आप इसको सोने से पहले भी कर सकते हैं। सोने से पहले अपने हेड को ऐसे डाउन साइड करके उसके बाद इस एक्सरसाइज को आप प्रोसेस कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप मुझसे ये मत पूछिएगा कि इनमें से कोई एक एक्सरसाइज करनी है, बल्कि आपको ये सारी एक्सरसाइज डेली रिपीट करनी है और जितना मैक्सिमम हो सके उतना मैक्सिमम इन सारी एक्सरसाइजेस को फॉलो करें। गाइज आई होप कि आपको मेरे ये बेहतरीन सा वीडियो बेहद पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को जमकर शेयर करें। ऐसी हमेशा आपके लिए कुछ नया लाती रहूंगी, जिंदगी को खुशनुमा बनाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।